मक्खन चली है गाड़ी, एवरेज भी ताबड़तोड़ है, गाड़ी का एवरेज 23.7 का आ रहा है, और केबिन जो है मतलब इसमें टायर्स भी नए डाले हुए हैं, पुराने टायर्स नहीं है, तो उस हिसाब से केबिन काफ़ी साइलेंट है कंपेयर टू अंदर जो नॉइज़ आना चाहिए। और पिकअप पावर की बात करें तो अभी थर्ड गियर में है तो बेसिक है, ज़्यादा पंची भी नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ बट ये है कि गाड़ी शांत है और बट अंदर बल्ब है, तो मारो तो दिमाग से खेलो। साइड प्रोफाइल देख लो तो गाड़ी एकदम क्यूट सी छोटी सी गाड़ी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी है, मिड साइड एसयूवी में ये गाड़ी आती है, मिड साइज एसयूवी में गाड़ी आती है ये। डाउट इसमें यहाँ पे एल शेप में DRL आती है और प्रोजेक्टर आती है, लेकिन ये सेकंड टॉप है तो सेकंड टॉप में क्रॉस कटिंग है। तो इंजन पे देख सकते हैं, hit the link with the box, had to put the stick in the box, pour up the whole damn field, I'ma get lazy, I got the mojo deals, we been trapping like the 80s, she said the nigga. So hello guys, welcome back to the channel, कैसे हैं आप सब लोग? आज डिजायर है जो कि 1.2 लीटर VVT इंजन में आती है, ये 2019 की मॉडल है पेट्रोल, और इसको आप देख सकते हो एकदम बेसिक लुक है गाड़ी का, और इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी में से एक है, सेकेंड या फर्स्ट पोजीशन में ये गाड़ी आती है, ऊपर नीचे होते रहता है गाड़ी का बट लिस्ट में, बट गाड़ी है जो कि आप पहली बात तो बोल दो, सेफ्टी के बारे में बात नहीं करूँगा मैं क्योंकि आपको पता है सेफ्टी मतलब मारुति मतलब ज़ीरो। सो अपन आते हैं पहले फ्रंट लुक में, एस्टन मार्टिन लुक आता है, इंडियन एस्टन मार्टिन, लाइट आपकी इसमें बेसिक आती है, ये सेकेंड टॉप मॉडल है, इसमें CNG आता है आज की डेट में और पेट्रोल आता है, डीजल अब मारुति नहीं दे रही और हाइब्रिड भी अभी इसमें नहीं आया, ये मॉडल में उस टाइम पे नहीं आया था। प्लस इसमें आपको नॉर्मल बल्ब मिल जाते हैं, फॉग लैंप नहीं मिलती आपको। बात करें अपन टायर की तो इसमें 15 इंच के रिम आते हैं, ना कि एलॉय आते हैं, टॉप मॉडल में एलॉय आते, सॉरी टॉप मॉडल में 15 इंच के एलॉय आते हैं और इसमें 14 इंच के रिम आते हैं, 165 45 14। साइड में आते हैं तो ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स नहीं है, सिर्फ आप मोटर एडजस्ट कर सकते हो अंदर का मिरर। प्लस अपन इधर आए अंदर तो इंटीरियर तो बेसिक क्यूट सा इंटीरियर है इसका, नीचे से फ्लैट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, एक ऑटोमेटिक आपका सिर्फ ड्राइविंग साइड का मिलता है, सिंगल लॉक बटन वाला है, मतलब एक बार आप लॉक करोगे तो यही दरवाजा मतलब एक बार में पूरी लॉक हो जाएगी, अनलॉक करोगे तो सिंगल डोर ओपन होगा और लॉक करोगे तो वही डोर होगा फिर, ठीक है। फिर अपन आ जाते इधर, हेडलाइट एडजस्टर मिल जाता है, उसके अलावा पूरे डब्बी बटन से, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है गाड़ी में, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक इधर मिलता है और एक बीच में मिल जाता है, हैंड ब्रेक आपका है, प्लस आपको 5 स्पीड गियर मिल जाते हैं। रही बात चाबी की तो ये चाबी पिछले 24 साल से यही चल रहा है, 2010 से इसमें यही चाबी आ रही है, सॉरी 15-14 साल से, ना कि 20 साल, ज़्यादा बोल दिया। बाकी अपन इसको जैसे स्टार्ट करते हैं तो बेसिक सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बीच में डिजिटल बाकी एनालॉग, और इसमें रेंज दिखा देते जैसे इसमें आप आओ, गाड़ी का एवरेज इसमें जैसे दिखा रहा है 23.7 का एवरेज है, आपको इसमें रेंज दिखा देगा, उसके बाद जो इंस्टेंट जो आपका एक्सेलेटर पेडल है उसका ये दिखाएगा इंडिकेशन, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं दिखाया। दूसरी तरफ में बटन है तो इसमें ट्रिप मीटर ए बी और टोटल गाड़ी कितनी चली है और ऊपर में टाइम। इधर आ जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम में, सिर्फ ब्लूटूथ है गाड़ी में, इसमें रिवर्स कैमरा नहीं आता है, ऑटो डिमिंग मिरर नहीं आते, मैनुअली इसका ऑटो मैनुअल भी, हाँ मैनुअल है इसमें, मेरे को लगा नहीं चल रहा है क्या। तो और ड्राइवर साइड में इसका जो आपका क्या बोलना चाहिए इसको, वैनिटी मिरर, ये इसमें नहीं है, पैसेंजर साइड में आपको मिल जाता है। लाइट देखा जाए तो इसमें भाई पीली लाइट है जो कि बिल्कुल लाइट नहीं देती अंधेरे में, सच बता रहा हूँ, हल्की सी लाइट है, रीडिंग लाइट इसकी बहुत बेकार है। देखा जाए स्टेयरिंग व्हील थोड़ा सा मारुति ने अच्छा बनाया है, इसमें सिंगल साइड में वॉल्यूम अप डाउन, आगे पीछे म्यूजिक कर लो म्यूट, इधर कॉल रिसीव एंड, और ये ब्लूटूथ इस साइड में आ जाता है आपका। चले तो अपन पीछे चलते हैं, और पीछे देखा जाए तो मेरी हाइट है 5'3", अब देखते हैं मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट है, तो देखा जाए तो सीट कंफर्ट में अपन इसको मैं दूंगा 10 में से 8 या 7.5, क्योंकि जो ये आपका नेक रेस्ट है ये थोड़ा सा ना हार्ड है, सीट नॉर्मली ओके ओके है, इतनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है,
सीट कवर लगा तो इसलिए थोड़ा सा कुछ नहीं फील हो रहा है। क्वालिटी में इसका सीट का इतना क्वालिटी नहीं है, बिकॉज मेरी तो खुद की शॉप है KS ऑटोमोटिव, तो हम लोग खुद इसका सीट कवर लगाते हैं तो पता है कि कितना क्या है इसमें। रूफ देखा जाए तो एकदम प्लेन सा है, सिर्फ टीना टप्पर टाइप का है। आर्मरेस्ट आपको मिल जाते हैं, बीच में दो कप होल्डर, पीछे एसी वेंट मिल जाते हैं, लेकिन ये हवा सिर्फ जो कैबिन की हवा जब ठंडी होगी तो ये हवा ठंडी फेंकेगा, इसका अलग से कोई क्लाइमेट कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं है। और बूट पे आते हैं अपन, बूट में इसका है 350 से 380 लीटर का बूट है, तो सिंपल सा एकदम बूट है। और ये आप फिट एंड फिनिश देख सकते हो मारुति का, एकदम सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है मतलब। और गाड़ी का प्राइस आपका आता है 680,000 या 650,000 से गाड़ी शुरू होती है, 930,000-940,000 का इसका एक्स शोरूम बता रहा हूँ, तो 1.5 लाख रुपये आप ऊपर मान ही लो इसके मॉडल्स में। बाकी अपन देखते हैं तो इसमें सेम वही साइज़ मिल जाता है 165/80 R14, मैं पहले भी गलत बोल दिया था, 60 R14 है, 80 R14 ठीक है। पीछे आप सो रही बात ड्राइविंग की, तो गाड़ी एकदम मक्खन चल रही है, और गाड़ी में सीट बेल्ट का वार्निंग भी है कि भाई चल सीट बेल्ट पहन ले, तो क्योंकि मेरी रेटिंग है 0, तो अभी गाड़ी सेकंड गियर में चला रहा हूँ और एकदम स्मूथ है, कोई ऐसा मत कुछ नहीं है। नो डाउट ये गाड़ी तो चली 35,000 है, सो एकदम मक्खन चल रही है गाड़ी, एवरेज भी ताबड़तोड़ है, गाड़ी का एवरेज 23.7 का आ रहा है। और कैबिन जो है मतलब इसमें टायर्स भी नए डाले हुए हैं, पुराने टायर्स नहीं है, तो उस हिसाब से कैबिन काफ़ी साइलेंट है कंपेयर टू अंदर जो नॉइज़ आना चाहिए। और पिकअप पावर की बात करें तो अभी थर्ड गियर में है तो बेसिक है, ज़्यादा पंची भी नहीं है कुछ नहीं है, हाँ बट ये है कि गाड़ी शांत है, नॉइज़ी नहीं है, उतना कोई नॉइज़ नहीं है। और जैसे अभी मैं 60-70 पर जाके देखता हूँ कि अंदर कितना विंड नॉइज़ आता है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों में इतने में पता चल जाता है कि विंड नॉइज़ कितना है क्या है। और इसको आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अब 2,000 पे अपना गियर शिफ्ट करोगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा एवरेज देगी, क्योंकि RPM लो रहता है, टॉर्क गाड़ी प्रोड्यूस करती है ज़्यादा, तो उस हिसाब से गाड़ी आपकी एवरेज ज़्यादा देगी। और इसका जो बम अब स्पीड ब्रेकर गुदा के देखते कितना कैसा शॉक अपसर इसका एब्जॉर्ब करता है, एकदम बढ़िया से कम्फर्ट है गाड़ी में, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग जा सकते आराम से, थकान उतनी होगी नहीं आपको, तो ये एक प्लस पॉइंट गाड़ी में है, अभी तो लोग गाड़ी ले रहे हैं। और गियर भी काफ़ी स्मूथ है इसके, तो इतना कोई इशू नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा ये गियर थोड़ा सा नीचे है, अबे वो है क्या है। और एसी इसका जैसे मैं बताया था ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, तो भाई ठंडा एकदम बढ़िया से ठंडा कर दे रहा है। म्यूजिक सिस्टम ऑन ऑफ के लिए यहाँ से है, इसका ब्लूटूथ जैसे कि मेरे को इसके ओनर ने बताया कि भाई ब्लूटूथ कनेक्ट करने में इसको बहुत समय लग जाता है, लेकिन कई बार होता है ऐसा कि ब्लूटूथ थोड़ा सा स्लो चलता है या होता है, लेकिन ठीक है नो डाउट। बाकी आप गाड़ी मतलब जैसा आपका बजट अलाउ करता है, जैसा आपका है तो आप गाड़ी बिल्कुल मतलब ख़रीद सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से सेफ्टी चाहिए तो आप बिल्कुल गाड़ी मत खरीदना, और आपको सेफ्टी से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप गाड़ी में जा सकते हैं। गाड़ी का वेट भी ज़्यादा नहीं है, 880 किलो सिर्फ वेट है गाड़ी का, समझ ले 4 डोमिनो जितना वेट है गाड़ी का। तो साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो कि एकदम क्यूट सा साइड प्रोफाइल है, छोटी सी गाड़ी है और मिड साइड सेडान में आती है, और इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं, सिटी ड्राइव के लिए एकदम बढ़िया है, लेकिन वो ये गाड़ी में सेफ्टी नहीं है, बट फिर भी लोग खरीदते हैं क्योंकि गाड़ी सस्ती है और इसमें फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं अपन को, तो इसलिए इसका सेल्स ज़्यादा है। और बाकी ऐसा जिसमें देखा जाए तो वाइपर भी नॉर्मल है, आपको दो स्प्रे मिल जाते हैं। मैं आपको इंजन बे दिखा दे, तो मैं बात में आपको इंजन बे दिखाना भूल गया, उसके लिए आपको यहाँ पे ही साइड में जैसे बेसिक जो दिया रहता है, जो यहाँ पे हुड खोलने का दिया रहता है, यहाँ बेसिक ही है इसमें, और पेट्रोल और इसका हुड का आपका डिक्की का पीछे दे दिया, तो ये भी एकदम बेसिक है इसमें। इसके टॉप मॉडल में आपको नो डाउट इसमें यहाँ पे एल शेप में DRL आती है और प्रोजेक्टर आती है, लेकिन ये सेकेंड टॉप है, तो सेकेंड टॉप में कॉस्ट कटिंग है। तो इंजन पे देख सकते हैं कि एकदम खाली सा है, साइड में इसका गियर बॉक्स साइड में ना कि पीछे की तरफ में है, इनलाइन 4 है इंजन। बाकी आप देख सकते हैं नीचे कोई सेफ्टी ट्रे भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम खोखला इंजन है। ये देख रहे इधर कोई आके छुप भी जाएगा पता नहीं चलेगा, कोई बच्चा छुप जाएगा पता नहीं चलेगा, तो वही है। बाकी बैटरी छोटी सी है, बस वही है। तो मारुति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फिट एंड फिनिशिंग इनका सब ओपन है, मतलब बाकी आप कोई दूसरे ब्रांड में जाओगे तो ये इतना ओपन नहीं दिखता जितना इसमें है।
बाकी देखा जाए तो लोग फिर भी लेते हैं क्योंकि यह बजट, लोगों का बजट अलाउ करता है। इस बजट में बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन कुछ गाड़ियाँ फीचर्स ऑफर नहीं करती, कुछ गाड़ी एकदम बेसिक हो जाती है, कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा ही ओवर प्राइस है, तो उस वजह से लोग ये गाड़ी मारुति को खरीदते। प्लस लोगों की जो थिंकिंग है कि भाई मारुति है तो लो मेंटेनेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया गाड़ी चलाने में, कि ये सब गाड़ी को 6,000, 7,000, 8,000 किलोमीटर में सर्विस करवानी पड़े, लेकिन कुछ अदर ब्रांड से वो 10,000 में, तो आप एक समय बाद ना ये आपको महंगी पड़ेगी कम्पेयर टू वो गाड़ी। अगर ये गाड़ी आपकी 40,000 चले तो वो गाड़ी 50,000 चल जा रही है, लेकिन वो गाड़ी 5 बार सर्विस हो रहा है, ये गाड़ी उतने में ही कितना 5, 6, 7, 8 बार सर्विस हो जाएगी। तो ये सारा डिफरेंस है, लेकिन लोगों की थिंकिंग वही है कि भाई मारुति है सस्ती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोग का मिथ है सिर्फ। बस तो ये था स्विफ्ट का ओवरव्यू। आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट में बताइए, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मेरे को बताइए। हाँ, एक और चीज़, इसका 37 लीटर का फ्यूल टैंक है जो मैं मिस कर गया था, 37 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसमें CNG किट आती है, तो आजकल तो डायरेक्टली CNG किट इसमें आ जाती है, अलग से डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था मारुति डिज़ायर का, मारुति सुजुकी डिज़ायर का रिव्यू, और बाकी यही है, गाड़ी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिंपल बेसिक सी इंडियन एस्टन मार्टिन है ये, क्योंकि एस्टन मार्टिन आती ऐसी है, उसका ग्रिल ऐसी ही है, तो ये इंडियन एस्टन मार्टिन हम लोग इसको बोलते हैं, मिनी कूपर बोलते हैं। तो ये था डिज़ायर का रिव्यू, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।